इसमें उनको क्या आपत्ति है? महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए, यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं साहब। 2011 में मैं अध्यक्ष जी आपको दो कहानी बताना चाहता हूँ, और ये वर्षों से मेरे मन में था। इस पार्लियामेंट में दो बार, संजोग से मैं 2009 में सांसद बनकर आया, अनुराग ठाकुर जी से लेकर राजनाथ जी सबों के साथ काम करने का मौका मिला सर। 2011 और 2013 में दो भयंकर घटना हुई इसी बिल में। 2011 में जब 2010 में ये बिल पास हो गया राज्यसभा में, और जब यहां 2011 में जिसको कि ये लागू नहीं करना चाहते थे बिल लेकर आए, और जब बिल उधर से इंट्रोड्यूस हो रहा था, तो इन्हीं के सहयोगी दल के सांसदों को इसी कांग्रेस ने इसी बिल में पीटा सर। दो बिल था, एक महिला रिजर्वेशन का 2011 में, और 2013 में प्रमोशन इन रिजर्वेशन। और प्रमोशन इन रिजर्वेशन में मैं जब बात करूंगा तो ये पूरे के पूरे बेंच खड़े हो जाएंगे सर। यही वी नारायण स्वामी बिल को पेश कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह, शेड्यूल कास्ट थे सर, ये कहते अधिकार की बात, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं सर, यही यशवीर सिंह यहां पार्लियामेंट में उस तरफ से गए, वी नारायण स्वामी का उन्होंने बिल खींच लिया। इस पार्लियामेंट में, इसी लोकसभा में सर, सबसे पहले बिल में यदि उसका कॉलर पकड़ने के लिए कोई आया तो यही मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, और नीरज शेखर वहां खड़े थे, मुलायम सिंह यादव बाहर थे, और मैं वहां से कूद कर टेबल पर आया और मैंने कहा कि आप यहां की तानाशाह नहीं है, आप यहां की रानी नहीं है, इस बेल में आप मारपीट नहीं कर सकती हैं। और इनके जो इतने लेफ्टिनेंट थे बिलास मुतेवाल से लेकर सबों ने उनको पीटा। ये दोनों घटनाएं जो है, चाहे महिला रिजर्वेशन का हो चाहे ये प्रमोशन इन रिजर्वेशन का हो, ये पार्लियामेंट है सर, सबको सत्य बोलना चाहिए।